साथियों, मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया हूं। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। करोड़ों देशवासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे या बेघर थे। देश के गांवों में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। गरीबों के पास न गैस कनेक्शन था, न नल से जल आता था। गरीब का राशन बिचौलिए खा जाते थे। अस्पताल में इलाज के लिए गरीब को दर दर भटकना पड़ता था। साथियों, गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ, वो आजादी के बाद के 6 दशकों में भी नहीं हुआ था। इसी का नतीजा है कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी मिलते ही हैं। और साथियों, अगर मैं आपको ही पूछूंगा तो आप इस सरकार के अनगिनत काम बता देंगे। हर इलाके का लोग बोलेंगे, हाँ हमारे यहां ये हुआ। हर परिवार कहेगा, हाँ हमारे यहां ये हुआ। 10 साल में इतना काम, इतना तेजी से काम, पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी उतनी तेजी से आज काम हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको लगता होगा साबित सर्वे वाले कहते हैं कि भाई इस बार तो 400 पार पक्का है। सारे अखबार वाले लिखते हैं 400 पार पक्का है। सब लोग कहता है कि भाई एनडीए का जय जयकार है। फिर लोग कहते हैं, अरे इतना सारा हो रहा है, मोदी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? भाइयों बहनों, चुनाव तो आपने जिताना तय कर लिया है। मैं तो मेहनत इसलिए करता हूं कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। अपनों से मिलने का आनंद होता है। अपनों को मिलने से ऊर्जा मिलती है, अपनों को मिलने से प्रेरणा मिलती है, और इसलिए मैं आपके बीच आता रहता हूं। और भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए, कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है।
इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है, अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है, अभी तो बहुत कुछ करना है। हमें देश को, बिहार को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है।